किचन गार्डनिंग वाले भाइयों बहनों और बच्चों, मेरे पास कुछ लगभग 10 वैरायटी के अमरूद हैं। तो इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट के रूप में यानी प्रयोग के रूप में दो प्रकार के पौधों पर गुटियां बंधवाई। ये जो आप देख रहे हैं ये इस गुट्टी पर लगा हुआ अमरूद है और इसे थाई पिंक अमरूद कहते हैं। ये अमरूद लगभग 600-700 ग्राम तक का हो जाता है और इसकी खासियत ये है कि इस पौधे पर 12 महीने अमरूद आते हैं। ये गुट्टी मैंने व्यावसायिक रूप से बागवानी करने वाले किसानों के लिए नहीं बनवाई, उनके लिए मैं ग्राफ्टेड पौधे बनाऊंगा। लेकिन ये गुट्टी मैंने किचन गार्डनिंग वाले अपने जो साथी हैं उनके लिए बनाई है। अगर आप ये चाहते हैं तो अभी एक महीना थोड़ा सा शांत रहिए। आज मैंने ये कार्य शुरू किया है, मैंने देखा इनमें जड़ें निकल आई हैं और मैं तोड़ कर लाया हूँ इनको, और आज देखिए ये इनकी गुट्टी का कार्यक्रम हो रहा है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से ये जो अमरूद है इसको हटा दूंगा और इन दो में से ये दोनों शाखाएं रहने दूंगा। वैसे इन दो में से एक शाखा रख लीजिए आप, और इसको हम ये गुट्टी खोलने के बाद में ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम खोलेंगे इसको गुट्टी को, ये देखिए ये इसमें जड़ें निकल आई हैं, ये वाली जड़ें हैं, और इसको हम अब छोटी थैली में रखेंगे कोकोपीट, और जिसमें थोड़ा रेत और मिट्टी होगी, और जैसे ही पौधे पर नई कलियाँ आएंगी इसको हम यहाँ से भी थोड़ा हटा देंगे। तो इसको मैं जैसे ही चलेंगे तो मैं सब आप लोगों के लिए, ये कम से कम एक माह और लगेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि गुट्टी के पौधे तैयार हैं। मेरे पास दो वैरायटी होंगी, एक होगी श्वेता, श्वेता CISH लखनऊ का बहुत ही खूबसूरत अमरूद है, और ये थाई पिंक अंदर से हल्का पिंक होता है, और इसका अमरूद गोल और कभी कभी थोड़ा सा बल्ब के आकार का होता है और बहुत मीठा अमरूद होता है सर्दियों में। ये दोनों ही बहुत मीठे हैं। जो श्वेता है वो सफ़ेद कलर का है। जिन भाइयों को चाहेगा वो मुझे बताएंगे, लेकिन एक माह के बाद जब मैं ये बताऊँगा कि पौधे तैयार हैं तब आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस पौधे की कीमत होगी लगभग 50-60 रुपए, लेकिन कुरियर का खर्चा आपका होगा। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम हो, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी खर्चा होगा मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद। ये थाई पिंक का पौधा है मेरे बाग में, देखिए इस पर कितने अमरूद हैं, बहुत इतनी मात्रा में अमरूद आएंगे। अगर आप इसे एक अच्छे गमले में लगाएंगे, गमले में किस प्रकार लगाएंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है, उसके लिए मैं एक जो लोग ऑर्डर देंगे उनको एक छोटा सा लेख भी भेजूंगा कि गमले में किस प्रकार लगाएंगे, कितना बड़ा गमला होगा, और आपको अमरूद के लिए घर पर क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ेंगी, क्या बायो एजेंट रखने पड़ेंगे, नीम की खली होगी, खाद होगी, वो सब मैं बताऊंगा उसमें। आइए मैं इसको दिखाता हूं कि इसके जो बड़े अमरूद हैं इस वक्त जो बरसात में आ रहे हैं वो भी वही है जिसमें मैंने बरसात के अमरूद भी लिए हैं और सर्दी के अमरूद भी ले रहा हूं। देखिए गुच्छों में अमरूद आते हैं इसमें, ये देखिए गुच्छों में हैं। बरसात के अमरूद थोड़े छोटे होते हैं और अधिक अमरूद थे इस पर से, काफ़ी अमरूद टूट चुके हैं, और ये देखिए, और ये जो है ना ये इसके सर्दियों के अमरूद होंगे, ये देखिए ये सर्दियों के अमरूद होंगे, और ये आपको जनवरी तक मिलेंगे अमरूद, ये देखिए। इसीलिए मैंने ये पौधे का चुनाव किया है, और मेरे पास कुछ और भी हैं, देखिए कितने गुच्छों में अमरूद हैं। अगर आप देखोगे ये पौधा बहुत छोटा है, कुल 2 वर्ष का पौधा है, और इस पर इतने अमरूद हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये भार सहन कर पाएगा, और कितने स्वस्थ अमरूद हैं देखिए। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ श्वेता का अमरूद है,
ये मेरा श्वेता का पेड़ है, देखिए 2 वर्ष का पेड़ है, कितनी अच्छी कैनोपी बनाई है। और इस पर अगर आप अंदर देखेंगे, अब थोड़ा शाम का समय है, तो बहुत ही फ्रूटिंग है इस पर। मैंने पौधा मजबूत किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि पौधे की जो मजबूत शाखाएँ हैं उन पर ही फल आए। तो और ये बहुत ही सुंदर और मीठा अमरूद होता है जो आप पसंद करेंगे। तो किचन गार्डनिंग वाले भाइयों और बहनों, आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको लगेंगे तो बहुत अच्छे अमरूद मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए अगले वर्ष से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के अमरूद तैयार करूंगा और ऐसे पेड़ तैयार करूंगा कि आपको छोटे से पेड़ पर ही बहुत अमरूद मिलेंगे। एक मेरा और निवेदन है आप लोगों से, अगर आप कभी भी दिल्ली से हरिद्वार जाएं, तो आप मुजफ्फरनगर से सहारनपुर वाला हाईवे लें और वहां से आप जाएं, तो आप मेरे बाग में अवश्य आएं थोड़ी देर के लिए, एक कप चाय पिएं। और अब से लेकर इसमें करीब दिसंबर तक अमरूद होंगे, आप अमरूद भी ले सकते हैं और एक कप चाय का आनंद लीजिए बाग में। जो मेरा ये देखिए, मैंने एक छोटा सा घर बनाया है रहने के लिए, ये देखिए। और आप आराम से आइए और देखिए, ये मेरा शौक है और लोगों को थोड़ा पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि बागवानी किस प्रकार करनी चाहिए। और इस तरह से आप अपनी आँखों से स्वयं देखिए और अमरूद का चुनाव करिए, और हो सकता है तो 1-2 अमरूद के पौधे लेकर जाइए, जिससे कि आपका खर्च भी बचेगा कुरियर का, और आप अपनी आँखों से देखेंगे कि क्या ऐसी कोई नर्सरी है जिसके पास अमरूद के मदर प्लांट हों और वो किचन गार्डनिंग वालों के लिए पौधे बनाता हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।